नमस्कार, वेब दुनिया न्यूज में आपका स्वागत है और नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। अमेरिका में आतंकी हमला, गोलीबारी में 50 की मौत। अमेरिका एक बार फिर आतंकी हमले से दहल उठा। ऑरलैंडो में समलैंगिक नाइट क्लब में रविवार को हुई गोलीबारी में कम से कम 50 लोगों की मौत हो गई और 53 अन्य घायल हो गए। 9/11 के बाद अमेरिकी इतिहास में यह सबसे बड़ी वारदात है। इस नरसंहार के बाद फ्लोरिडा में आपातकाल लागू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इसे आतंकी हमला बताया है। इस क्लब में गोलीबारी करने वाले की पहचान 29 वर्षीय उमर मतीन के रूप में की है, जो अफगान मूल का अमेरिकी है। इसे आतंकवादी संगठन IS का समर्थक बताया जा रहा है। क्लब में 100 से अधिक लोग मस्ती कर रहे थे और इसी दौरान हमलावर ने स्थानीय समय अनुसार रात को लगभग 2 बजे गोलीबारी शुरू कर दी। इससे पहले ऑरलैंडो में ही 22 वर्षीय गायिका क्रिस्टिना ग्रीमी की भी कंसर्ट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। वैसे अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं आम है, लेकिन इस घटना को इस्लामिक आतंकवाद से जोड़ा जा रहा है। केरला से हिंदू परिवारों के पलायन की जांच के लिए भाजपा ने बनाई समिति। केरला में मुस्लिम कट्टरपंथी और गुंडों के डर से 346 हिंदू परिवारों के पलायन को लेकर भाजपा ने मामले की जांच की और मौके पर स्थिति का आकलन करने के लिए 9 सदस्यों की एक समिति बनाई है। इस समिति में संसद के कई सदस्यों को शामिल किया गया है। समझा जाता है कि यह समिति 16 जून को केरला का दौरा करेगी। समिति वहां जाकर तथ्यों का पता लगाएगी और अपनी एक रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके राज्य भाजपा इकाई को सौंपेगी। हाल ही में भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुम सिंह ने दावा किया कि केरला से बड़ी संख्या में हिंदू परिवारों का पलायन हुआ है। सिंह ने 346 हिंदू परिवारों की एक सूची जारी की है, जो दूसरे समुदाय के कथित डर और धमकाए जाने के चलते अपनी संपत्तियों को छोड़कर दूसरी जगहों पर चले गए हैं। सांसद ने यहां तक आरोप लगाया कि केरला कस्बे में कम से कम 10 सांप्रदायिक हत्याएं हुई है और केरला पिछले 3 सालों में नया कश्मीर बन गया है। समृद्ध हिंदू परिवार कथित रूप से गैंगस्टर मुकीम काला की बार बार लूट और फिरौती से परेशान होकर कस्बे से पलायन कर गए हैं। काला हालांकि अभी जेल में बंद है। बांग्लादेशी हिंदुओं की मोदी से सुरक्षा के लिए दखल देने की अपील। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की कई घटनाओं के मद्देनजर हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय के लोग चाहते हैं कि भारत सरकार उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बांग्लादेश के साथ इस मामले को उठाए। बांग्लादेश हिंदू बुद्धिस्ट क्रिश्चियन यूनिटी काउंसलिंग के महासचिव राणा दास गुप्ता ने कहा, बांग्लादेश में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय निशाने पर है। कट्टरपंथी और जमात ताकतें बांग्लादेश से हिंदू का सफाया करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि हम महसूस करते हैं कि हिंदू बहुसंख्यक राष्ट्र होने की वजह से भारत को कुछ करना चाहिए। हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बहुत उम्मीदें हैं। उन्होंने कदम उठाना चाहिए और बांग्लादेशी सरकार के समक्ष इस मुद्दे को भी उठाना चाहिए तथा हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए।